Tashidile Sewara Fefula Namaste, this is your Darshan Tamang and once again welcome back to my YouTube channel Darshan Vlogs. Guys, मैं आप लोगों को एक information देना चाहता हूँ. मैं 10 दिन के लिए solo travel trip में गया था. कल मेरे दीदी की शादी है, मेरे दीदी का शादी fix हो गया इसलिए मुझे घर जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा. मैं बहुत ही पहले मतलब पूरा trip complete करके अपने घर वापस आ गया था. कल और परसों दो दिन हमारे घर में शादी है इसलिए मैं अपने मतलब शादी वाला vlog आज से continue करूंगा. आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है और चलिए आज का vlog शुरू करते हैं. Solo travel से वापस आने के बाद मैं बहुत ही बिजी रहा हूँ क्योंकि ये जो शादी के लिए बहुत सारे काम थे घर में, बहुत सारे काम, इतना सारा काम था कि काम करते करते जो सोलो ट्रैवल वीडियोस था वो अपलोड कर रहा था. गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा लाइटिंग्स लगा हुआ है. अभी ये लाइट्स नहीं दिख रहा है, शाम को दिखेगा आप लोगों को. बहुत ही अच्छा लाइटिंग वाइटिंग डेकोरेशन हम लोगों ने क्या क्या किया. तो आप लोगों को तो पता है कि हमारे कल्चर में हमेशा मतलब सेल रोटी तो बनता ही बनता है. कल और परसों दो दिन शादी है तो सेल रोटी एक हमारे नेपाली स्पेशल नेपाली क्विजिन है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिश. तो यहाँ पर पक रहा है सेल रोटी. पहला सेल रोटी मैं टेस्ट करूंगा अभी. और अभी अभी हम लोग ने मंदिर पर ये सेल रोटी चढ़ा के आया तो अभी हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं. तो एक सेल रोटी खाने पड़े थोड़ा ना यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है और मैं भी मतलब आज तक इतना बिजी था और आज मुझे सब लोगों ने फ्री छोड़ दिया कि जाओ व्लॉग बनाओ. तो आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ. हमारा जो शादी वाला मंडप और शादी हॉल डाइनिंग हॉल जो है वहाँ पर जो मैं व्लॉग हमेशा बनाता हूँ मेरे बिल्डिंग में वहाँ पर हो रहा है. और यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे आज से और कल परसों तीन दिन मतलब फुल बिजी फुल. अभी मैं आप लोगों को वहाँ पर जो शादी मंडप कुछ डेकोरेशन हो रहा है वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है. आज से मैं 2 बजे उठा हूँ और डैड भी 2 बजे उठे थे. इतना सारा बिजीनेस अभी हमारे घर में चल रहा है ना कि हमारे गांव में जो है ना मतलब सारा डेकोरेशन और जितने भी वेडिंग में काम होते हैं हमारे गांव के लोग ही करते हैं, कैटरिंग से लेकर सब कुछ. लेकिन अरे भैया कहाँ से आया? अरे भैया रुकिए ना. अरे भैया एक मिनट हम कर दिए ना. भैया रुकिए अच्छा है डेकोरेशन अंकुल भैया कर रहे हैं. दामी दामी दामी. और मौसम भी अच्छा है गाइस. आज आप देख सकते हैं यहाँ पर और वहाँ पर वेटिंग के लिए गेस्ट के लिए वहाँ पर बना रहा है और यहाँ पर होगा कैटरिंग. यहाँ पर खाना वाना पकेगा इस एरिया में और नीचे है डाइनिंग हॉल. तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हो मेगा? हाँ के लिए डेकोरेशन फ्लावर. अच्छा है तो हाँ टिश्यू पेपर से बनाया. हाँ टिश्यू पेपर और चैट पेपर और सब पेपर है और सब पेपर. बहुत ही क्रिएटिव लड़कियाँ यहाँ पर है. ये भी है. हाँ ये क्या है? किस ब्राइड किस मी आई लव यू हैट. अच्छा है अच्छा है अच्छा है गाइस. सेल्फी बूथ के लिए ठीक है बाद में देखूंगा. ठीक है अच्छा बनाना. सबसे पहला सेल्फी मैं लूंगा. अभिषेक भैया कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है. अच्छा हो रहा है. अच्छा है ना गेट दिखे तो? हाँ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है. अच्छा है ना. हाँ स्टोर रूम और हमारे स्टोर कीपर है यहाँ पर ठुले बड़ा. कैसा चल रहा है?
बड़ा जी अच्छा क्या हुआ? अच्छा चल रहा है। ओ यहाँ पर मछलियाँ सब्जियाँ बहुत बहुत सारा सामान है। आने वाला है? आने वाला है। बहुत बर्तन बर्तन ऐसे पड़ा हुआ है। यानी से थैंक यू दिल। हाँ अंत अब गफ गरेको आउँछ नि अब अहिले फेरि प्याज काटेको आउँछु नि अन्त लोग काम कर रहा है। सिर्फ यही एक लड़का है जो काम नहीं कर रहा है। तो हमारे गेस्ट सलवा से आया है स्पेशली। यहाँ पर है हमारे दीप भाई। यहाँ पर है हमारे नयन भाई। हेलो 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 बाय। ठीक है मिलते हैं बाद में। ठीक है गाइस। अच्छा धमाधम धमाधम से शादी के लिए काम हो रहा है। और यहाँ पर बर्तन धोने के लिए बनाया है। आई प्रे टू गॉड कि मतलब मौसम ख़राब ना हो। आज जैसा मौसम है अगर दो दिन भी ऐसा ही मौसम रहा तो मतलब शादी बहुत ही अच्छा होगी। और यहाँ पर पैराशूट लगवाया है हमारे बड़ा ने। यहाँ पर लिखा है फैफुलो नमस्ते पेंटिंग पेंटिंग ले झंडे बर्बाद करे लो 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 यहाँ पर गाइस देखिए गेट वेट बन रहा है और सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। सब लोग हमारे गांव के लोग हैं। किसी को हम लोगों ने हायर नहीं किया है। हमारे गांव में ऐसे ही चलता है किसी के घर में कुछ फंक्शन हो तो सब लोग आके मतलब हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशंस भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है। किसका आइडिया है ये? बड़ा का आइडिया। तुम्हारा बड़ा का आइडिया मोटा सोच है ये कितना लिया? यहाँ पर थोड़ा सा गेट बनाया है हमारे दोस्तों ने। नीचे जाके देखते हैं क्या है। आंटी और गाइस यहाँ पर डाइनिंग हॉल। यहाँ पर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है हम लोगों ने। ऊपर लगवाए माला और यहाँ पर बुफे सेट लगेगा इस साइड में और इस साइड में भी बुफे सेट लगेगा। और यहाँ पर लाइटिंग डिपार्टमेंट में है हमारे मामा जी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। 10 मिनट लगता है यहाँ पर। फिर मैं मंडप पूरा फूलों से माला से लाइटिंग से सजाए। और अभी ये लाइट नहीं जलाए तो शाम को लाइट जला के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। मामा जी क्या लेके आ रहे हो? पानी। पानी ठीक है। चावल पार लंबा वाला चावल है। बड़ा बड़ा छोटा नहीं है। हाँ लंबा वाला है। लंबा वाला है। उधर में एक लड़का आया है उधर में उसको डे नहीं बोलता है। ओ काकू वो डे नहीं बोलता है। पुशमिंग का डे नहीं फिल्टर देखिए लेकिन उसका दांत नहीं है। दांत नहीं है। दांत दिखाई है अंगूठा डाल तो कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग बहुत सारे बिजी है। दुल्हन की माँ यहाँ पर दुकान में बिजी है। यहाँ पर संतु नाना क्या ढूंढ रही है बोरे में? चावल ढूंढ रही हूँ। चावल मामा जी डेकोरेशन हो रहा है अभी तो? हो रहा है। कल से शुरू हो गया था आज खत्म हो रहा है। प्याज ये प्याज है। ये प्याज है। ये काटने से आंसू आता है। आंसू आता है। यहाँ पर हमारे बड़ा चश्मा पहन के डिस्को डांसर सही से ना आ जाए। देख सकते हैं यहाँ पर मौसम भी काफ़ी आज अच्छा है।
बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मौसम। ये है हमारा विलेज और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। यस हो गया और खाया है लंच में चिकन यो ये गिलास में दूध वाला क्यों ये सूप है सूप मछली का सूप अच्छा है डाइट मछली का मुंडी का सूप डाइट तो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा आप से बता रहा हूँ ठीक है अच्छा है बिकज दा लाइट तो अच्छा है तो न खिच्नु भनेको हैन थोड़ा थोड़ा भनिदिनु न थोड़ा थोड़ा ए सुनिल दा खिच्नु त आ यो अन्त खास खिच्नु भने त न खिचिनुस् भनेको हैन ले घाटे गरेको खिचेको त नरी सबै साथीहरु सुनिल दा खाना के छ वा अच्छा हो ह अच्छा हो ओके खाना बहुत अच्छा है यहाँ पर बड़ा भी है मामा जी खाना कैसा हुआ है एकदम अच्छा अच्छा हुआ है बढ़िया बढ़िया बड़ा भी खाको चिकन एलर्जी नहीं हुआ भैया शादी है आज नहीं खाएगा तो खाऊंगा हाँ वो भी लड़की है क्या हुआ भाई यस बंसी टीम राइड ले भर्खर खाना खाना टेक्स है हाल त मेगा हाल होला मेगा अन्न लिएर केही छ गुस्सा क्यों कर रहे हो वो लोग को क्या पानी डालती रहूंगी ये है हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक डम्फू मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं डम्फू तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चरल म्यूजिक है तो किसी भी फंक्शन में हम लोग ऐसे गाना गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं तमंग सेलो मीन्स तमंग गीत गाना सबै त उच्चि धन मुला हो सबै त हम लोगों ने एक बैंड बाजा पार्टी भी हायर किया है जीजा जी कैसे हो आप एकदम बढ़िया बहुत खुश यहाँ छ उयो ठुलो काटन आउनु नि छ यो मुनि छ गर्दिनु है सेटअप गरे भाई बैंड पार्टी किधर है
तो टेस्ट वेस्ट कीजिए, मैं सिग्नल देगा उसका बाद आपका बताइए ठीक है। उधर में डिस्टर्ब होगा तो फिर इधर सेटिंग करेगा तीन ले सब सेटिंग करेगा। सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ बैंड पार्टी एकदम सुबह साहित। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? दिलदार है। दिलदार? ओ नाम ही दिलदार, म्यूजिक भी दिलदार बजाना दिल खोल के बजाना ठीक है। सनोर अली यूट्यूब चैनल। आपका नाम? पर गाइस अंदर मसाला घूम गया है, कितना ढूंढा दीदी ने फिर भी नहीं मिला मसाला। कौन सा मसाला नहीं मिला? वो पता ही नहीं। तीखा वाला? तीखा। सिंग वाला? सिंग वाला। एक्स्ट्रा बना के अलग के जोगा रख दे। नॉर्मली तो हमारे गांव में कोई कैटरिंग हायर नहीं करते, लेकिन इस बार हम लोगों ने ट्राई किया है कि कैटरिंग डिपार्टमेंट का मतलब खाना कैसा होता है। राम राम कैसा? ये तो फिलिंग का अचार है। ये क्या है? फिलिंग का अचार? ये तो पक्का नेपाली डिश। ये नेपाल अचार में आता है पक्का। फिलिंग पक्का नेपाली डिश। लोकल अचार? लोकल अचार तो दार्जिलिंग में नहीं मिलता है ना, ये नेपाली में मिलता है। ओके ओके। ये खाने के लिए बन रहा है? इंडियन ग्रेवी के लिए बन रहा है। इंडियन ग्रेवी? चिकन चिकन बटर मसाले के लिए बन रहा है। चिकन बटर मसाला के लिए पनीर बटर पनीर भी इसमें बनेगा। यहाँ पर मंडप सेटिंग हो रहा है और स्पेशली मंडप सेट मंगवाया था तो यहाँ पर ऐसा स्पेस है तो देखते हैं बाद में कैसा होता है। यहाँ पर अभी बैंड पार्टी के लिए बेडरूम रेडी हो गया है। किसने बनाया है बेडरूम? ये हम लोग ने बनाया। चश्मा तो अच्छा है ना? ये एसी वाला ग्लास है भाई। एसी ग्लास? यस। अच्छा इसमें ये ग्लास ही नहीं है, एसी वाला है ये। अभी गर्मी में भी काम लगेगा, ठंडा में भी काम लगेगा। दोनों टू इन वन? टू इन वन ग्लास। अच्छा होता है, अच्छा है। भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। सब बढ़िया है ना? खाना पानी हो गया ठीक है। भतीजा है मेरा भैया का बेटा। लेट्स चेक यहाँ पर मंडप कैसा हो रहा है गाइस। हाय हाय, कैसे हो? इनको तो पहचान दे हुए होंगे, शिवम सेम्पाई के ब्लॉग में बहुत फेमस है ये लड़का। अरे वाह, लुक्स ही चेंज हो गया। यू कैन सी गाइस पहले कैसा दिखता था ये रूम, अभी अलग ही माहौल हो गया यहाँ पर। अच्छा है, अच्छा है। दामी दामी डैड। हाँ कैसा लगा डेकोरेशन? वाह अच्छा है।
बहुत पसंद आया। बटर चिकन ये चिकन के लिए मसाला सब सबको लिए मसाला ओके ओके गैस में डालती हूँ, तेल डालता हूँ, कभी भी जैसे भी बनता है खाना ऐसा होना चाहिए आँख में देखे उसको पसंद लगना चाहिए। पहले खाना पूरा मुख से आँख से खाता है, बाद में फर्स्ट इम्प्रेशन लुक्स है ना। सलाद नहीं भएको इसमें पूरा जितना ये अचार है मुर्गी अचार भिन्डी अचार गुन्द्रुक अचार जैसे लोकल डिस है इसलिए इसलिए बर्तन में रखने से भी हो जाएगा, लेकिन ये शादी का एक स्पेशली डेकोरेट है इसलिए इसमें डेकोरेट में ये ग्रीट करूँगा। और ये बन रहा है सलाद के लिए डेकोरेशन के लिए जो हम लोग तो बोलते हैं इसका फर्सी देखते हैं गाइस ये ऐसा है यहाँ पर पूरा।